नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संडे टेक मसल के और स्पेशल एपिसोड में। और आज मैं लेके आया हूँ कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक वीडियो तो आ रही होगी टाइम से, क्योंकि मैं उस दिन वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि कोई तो काम था मुझे, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किए और वीडियो को अपलोड भी नहीं किया। तो मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन आज सुबह सुबह मैंने वीडियो बना के रखी थी, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया आज। और यहाँ पे पहला अपडेट निकल के आता है एयरटेल की तरफ से। अभी एयरटेल को मिलने वाला है 30 GB फ्री में डेटा, मतलब कि अभी 30 GB डेटा। यहाँ पे जियो हमको 10 GB डेटा देते हैं, तो ये 30 GB अच्छी कंसेप्ट है। अभी देखते हैं क्या होता है, एयरटेल सचमुच देता है या ये क्या अप्रैल फुल माना था। ये नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास। अभी यहाँ पे फेसबुक की तरफ से, यहाँ पे फेसबुक ने $7.3 मिलियन पिछले साल दिए थे, तो मतलब कि सिक्योरिटी टाइट करनी है उनको। अभी यहाँ पे वर्ल्ड में फेसबुक इतना फेमस है कि अभी 5 मिलियन आपकी पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड में 7 बिलियन ऐसे बोलते हैं इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे 1 बिलियन अच्छी है कंसेप्ट, ये अच्छा है फेसबुक। तो अभी इनके लिए इनने $7.3 मिलियन तो खरीदे है सिक्योरिटी के लिए, तो ये कंसेप्ट तो अच्छी है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास गॉड ऑफ वॉर की तरफ से। अभी एक गेम है जो कि 2018 में रिलीज़ हुआ है और इसकी जो डेट है वो अभी 20 अप्रैल को होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ अभी PS4 या एक्सबॉक्स के लिए ही है, सिर्फ उतने दोनों के लिए। अभी तक PC को ना आई, अभी आया तो खेलते हैं, कुछ मज़ा उठाते हैं इसकी। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास। अभी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आती है कुलपैड की तरफ से। अभी यहाँ पे कुलपैड आया है A1, कुलपैड A1 और कुलपैड मेगा A4, जो कि बजट के हिसाब से अच्छा होगा, जिसकी जो कीमत होने वाली 5,500 होने वाली है। और इसके अंदर मिलता है 210 स्नैपड्रैगन, मतलब कि यार बहुत कम है, लेकिन अच्छा नहीं है। मेरे मेरे हिसाब से इसको 425 का चाहिए था स्नैपड्रैगन, लेकिन ये बहुत कम दिया गया हुआ है प्राइस के हिसाब से। अभी यहाँ पे उसके अंदर आपको मिलती है 2 GB RAM, 16 GB इंटरनल और 64 GB एक्सपेंडेबल, जो कि अच्छी है। और द रेयर कैमरा आपको मिलता है 8 MP और फ्रंट कैमरा मिलता है 5 MP, और इसके अंदर 2500 mAh की बैटरी है। ये कंसेप्ट अच्छी है, लेकिन ये नोगट पे रन करता है, मतलब कि अच्छे होने वाला है, लेकिन प्राइस के हिसाब से इसका अच्छा नहीं है। प्रोसेसर मुझे नहीं पसंद, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है वीवो Y71 की तरफ से। यहाँ पे इसकी प्राइस आई है 10,990, मतलब कि अच्छी प्राइस है। प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन अच्छा है, और 13 MP रियर कैमरा मिलता है और ऑटो फोकस है, जो कि PDAF के साथ। और यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको मिलता है 5 स्नैपड्रैगन 425 चिपसेट के, ये तो अच्छा दिया गया हो। 3 GB RAM और 16 GB इंटरनल, ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। 3360 mAh की बैटरी मिलती है आपको, 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास रशिया के तरफ से। यहाँ पे रशिया ने टेलीग्राम को कर दिया है बैन, मतलब कि टेलीग्राम आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ज़रूर से ज़रूर उसको डाउनलोड करके लॉगिन कर लो और देख लो क्या होता है टेलीग्राम। ये एक व्हाट्सएप की तरफ से होता है जो कि इन्हें बैन कर दिया है, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ निकल के आती है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है, अभी फाइनल अपडेट निकल के आता है हमारे पास। अभी यहाँ पे माइक्रोमैक्स की तरफ से न्यूज़ आती है। यहाँ पे भारत 5 Pro जो कि 8,000 में आने वाला है, इसके अंदर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा है, जो कि LED के साथ आएगा, फ्लैश LED के साथ, जो कि 5,000 mAh की बैटरी मिलती है आपको। यहाँ पे 21 दिन का बैकअप मिलता है कंपनी की तरफ से। अभी कंपनी क्या क्या बताती है, 21 दिन का बैकअप मीन्स बहुत हो गया है। अभी हमको यहाँ पे वीवो भी है तो उनको इतना बैकअप नहीं मिलता 21 दिन का, जो कि ये अभी देने वाला है, मतलब कि 1.3 GHz कोर प्रोसेसर है और 3 GB RAM 32 GB ROM, और ये ऐसे कुछ फैशन लॉक भी दिया गया है। ये एक iPhone X की कॉपी है, जो कि iPhone X ने सब दिया तो ये बाकी के फ़ोन भी सब देते रहते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद, आपको कुछ जवाब कमेंट करना मत भूलेगा। अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, ताकि
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी करो क्या लगता है इस वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।